देवियों सज्जनों, भारतीय कला महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में अब समय है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुति का। ये प्रस्तुति है अष्टलक्ष्मी रंगोली की। हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोकप्रिय नृत्यों की ये एक कोरियोग्राफिक प्रेजेंटेशन है जिसे कोरियोग्राफ किया है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से अलंकृत डॉक्टर प्रसन्ना गोगोई ने। प्रस्तुत है हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की रंगोली, अष्टलक्ष्मी रंगोली। Thank you.
कोलकाता जो बलगना यच में बना सते कुए काब दे युक सतम लगन कोलकाता जो बलगना यच में बना पते कुए काब दे युक पतम लग कोलकाता जो बलगना यच में बना सते कुए काब दे युक सतम लगन कोलकाता जो Thank you.
वंदे मातरम 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 कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। मैं गया चाहा बस तेरी याद, बस तेरी याद जो मेरे साथ थी, मुझको दरपा चिरला थी। सबसे प्यारी तेरी सूरज प्यार है, बस तेरा प्यार ही मैं तुझे सलाम। समृद्ध संस्कृति की एक छोटी सी झलक जो आपके सामने थी अष्टलक्ष्मी रंगोली के रूप में देवियों सज्जनों। इसके कोरियोग्राफर डॉक्टर प्रसन्न गोगोई, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करूंगा। संगीत नाटक एकेडमी अमौड़ी, नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रसन्न गोगोई। इनका और सभी कलाकारों का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के अंतिम चरण में आप सभी से निवेदन करूंगा, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्र गान के लिए। देवियों सज्जनों, आ
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता इस धरा को इसकी संस्कृति को एक ग्रुप फोटोग्राफ यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का सानिध्य आज हम सबको मिल रहा है और इस ग्रुप फोटोग्राफ में सभी कलाकार अपने स्थान पर ही रुकेंगे मंच पर माननीय राष्ट्रपति महोदया और यहाँ हम सबके बीच आज विराजे माननीय राज्यपाल तेलंगाना श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय केंद्रीय मंत्री संस्कृति और पर्यटन, इसके साथ साथ ला गणेशन जी राज्यपाल नागालैंड, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक जी राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी राज्यपाल असम, प्रभार मणिपुर का भी जिनके पास है, इंद्रसेन रेड्डी जी, सी एच विजय शंकर जी सभी आएंगे। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा ब्रिगेडियर राजीव कुमार सिंह MD NEHSDC और उनकी पूरी टीम से कि वो टीम जिन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ आप सबके सहयोग से इस तरह के आयोजन को ये रूप और आकार दिया है और इसलिए इन सभी के लिए कलाकारों के लिए और NEHSDC की टीम मैं एक बार उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी मंच पर आ जाएगी NEHSDC की टीम और इनके लिए सबके लिए एक बार आपकी करतल ध्वनि ज़रूर उसकी गूंज आनी चाहिए, आपकी तालियों के साथ इन सबका अभिनंदन ज़रूर होना चाहिए। भारत की संस्कृति में पूर्वोत्तर के रंगों की अनूठी दास्तान आज यहाँ जिसका अनावरण हुआ, जिसका शुभारंभ हुआ राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से उनके सानिध्य में और आज से शुरू होकर कल से आम जन के लिए ये खुला होगा और इस तरह से ये आगे 6 अक्टूबर तक अनवरत जारी रहेगा। श्री राजीव ब्रिगेडियर राजीव कुमार सिंह जी और उनकी टीम, सभी कलाकार एक बार करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करेंगे मंच से राष्ट्रपति महोदया का। आप सभी एक बार मंच से आइए आभार व्यक्त करें तालियों की आवाज के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे जोश के साथ। राष्ट्रपति महोदया का यह स्नेह और सम्मान है कला और संस्कृति और विरासत के प्रति, जो इस रूप में उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा शुरुआत यहाँ पर निलयम में हुई है और ऐसे अवसर पर उनका आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात। इसके अलावा यहाँ इस अवसर पर जिनकी गरिमामयी उपस्थिति रही राज्यपाल तेलंगाना श्री जिष्णुदेव वर्मा जी की, देवे सज्जनों आपसे ये निवेदन जरूर है कि आप अभी अपने स्थान पर ही रुकेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए मूवमेंट जो है अलाउ नहीं होगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है और उसके बाद आपको ये सूचना दी जाएगी जब आप जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ रिफ्रेशमेंट की हाई टी की व्यवस्था है इसलिए। और बच्चे जहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे अपनी दाई तरफ पीछे की तरफ, बच्चे उधर जाएंगे, उनके लिए वहाँ पर रिफ्रेशमेंट है, उनके वहाँ पर उनके लिए रिफ्रेशमेंट के पैकेट से। बच्चों के लिए, बच्चों आप अपनी जगह जहाँ बैठे हैं उसी से राइट साइड में बैक साइड में जाएंगे और वहाँ पर आपको उपलब्ध होगा अपने राइट से बैक साइड में। और बाकी लोगों के लिए मैं स्टेज के पीछे वो जगह है लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मूवमेंट में आवाजाही में थोड़ी सी बाधा रहेगी। और सामने जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनके लिए GI पवेलियन के पास उनके लिए हाई टी की व्यवस्था है तो अभी जैसे ही संभव होगा आप सभी वहां पधारेंगे। लेकिन एक निवेदन आपसे हम ये ज़रूर करेंगे कि आज से शुरू हुए इस आयोजन में आपके माध्यम से सभी तरफ जहां तक संभव हो ये सूचना, ये जानकारी अवश्य जानी चाहिए कि हैदराबाद निलयम में ऐसा अनूठा आयोजन आज से आरम्भ हुआ है जिसमें हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की संस्कृति के इतने विविध रंग जो है प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
दक्षिण भारत में इस तरह का पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति का इतना व्यापक और इतना बड़ा आयोजन संभवतः ये अपने आप में पहला आयोजन है, और इसलिए इसका पूरा लाभ यहाँ हैदराबाद, सिकंदराबाद और हमारी स्थानीय लोग यहाँ पर उठाएं, जो खुद भी अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। इसलिए आप सभी संस्कृति के इन रंगों को देखें। भारत की धरा पर इतने विविध रंग हैं और इसमें पूर्वोत्तर के रंग बहुत विशिष्ट हैं, और इसलिए उन रंगों के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको अपनापा महसूस होगा। इस बात को हम समझ पाएंगे कि भारत के किसी भी कोने में हम हों, हमारे प्रदेश की और हमारे समुदाय की जो भी संस्कृति और परंपराएँ हों, लेकिन उसमें सब में जो एक धागा, एक सूत्र जो है वो सामान्य है, जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है, वो भारतीय होने का और भारतीयता का धागा है, जो हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। और इसीलिए आप सभी जितना ज़्यादा अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति को आप देखेंगे, उतना ही आपको अपनापन महसूस होगा। आप सभी से ये निवेदन ज़रूर है कि आप अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। पैराडाइज मेट्रो स्टेशन से राष्ट्रपति निलयम तक के लिए मुफ्त शटल बस सेवा भी शुरू की जा रही है, और उसमें वहाँ से बिना किसी शुल्क के आप आ सकते हैं। यहाँ इस आयोजन में शामिल होने के लिए किसी तरह के शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी, और इसलिए आप सभी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। 6 अक्टूबर तक इस वाइब्रेंसी को, नॉर्थ ईस्ट की इस विविधता को और इस समृद्धि को आप देखें, इसे अनुभव करें, जिए इसे, और गर्व करें कि हमारे भारत का ऐसा सुंदर हिस्सा जो 8 राज्यों के रूप में है, अष्ट लक्ष्मी के रूप में है, वो इतना समृद्ध है, जिस पर हम सबको बहुत गर्व है। देवियों सज्जनों, आपको ये बता दूं कि हमारा, चूंकि नागालैंड अपने आप में क्वायर म्यूजिक के लिए बहुत फेमस है, और बस सबसे चंद पलों बाद ही इसी मंच पर आपके सामने नागालैंड मैड्रिगल सिंगर्स के जो क्वायर ग्रुप है, बहुत ही मेजर एक कॉरल ग्रुप है जो कि दीमापुर में नागालैंड में बेस्ड है, उनकी परफॉर्मेंस, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत जगह परफॉर्म किया है और बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स और प्राइजेज जिन्होंने जीते हैं, ऐसे द नागालैंड मैजिकल सिंगर्स की टीम जो है, क्वायर, आपके सामने अभी थोड़ी देर में अपनी परफॉर्मेंस शुरू करेगा। इन्होंने अभी हाल में ही 13